एक जगह जहां पर मुर्दा लोग संबंध बनाते हैं और लोग इकट्ठा होकर उन्हें बड़े आनंद से देखते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अक्सर जिंदा लोग ही आपस में संबंध बनाते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदा की बजाय मुर्दा लोग भी संबंध बनाते हैं और ये सब देखने के लिए लोग बड़ी भारी मात्रा में जुड़कर टिकटें लेकर वो भी बड़ी भारी रकम में लोग देखने के लिए उत्सुक रहते हैं और उन्हें देखकर आनंद लेते हैं, आखिर ये सब क्या है और ये कहाँ होता है, ये सब जानने के लिए मैं आपको पूरी कहानी विस्तार से बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि यह सब क्या है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पांचाल फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, यह घटना है अमेरिका के कैलिफोर्निया की। यहां पर दोस्तों मुर्दों को आपस में संबंध बनाते देख भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होते हैं और यहां पर करीबन $20 का चार्ज उनसे लिया जाता है वो टिकट के रूप में, वो सब दिखाने के लिए। और दोस्तों, शर्म की बात तो ये है कि वहां पर फिर भी लोग बड़ी ही भारी मात्रा में आते हैं ये सब देखने के लिए। दोस्तों, इस पे कुछ रोकथाम भी लगाई गई है, जो वहां के कुछ लोगों ने वहां पर रोकथाम लगाई गई है कि 18 साल से नीचे, 18 साल से आयु के जो नीचे वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं, वो इस कार्यक्रम को नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें उनके दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति इस टिकट को ले सकते हैं और वहां पर इस दृश्य को देख सकते हैं। बड़ा ही बेहद गलत किस्म का जो है ये कार्यक्रम किया जाता है। मरने के बाद भी इंसान को नहीं छोड़ते, उनके साथ ऐसे काम करवा के पैसे कमाते हैं, शर्म आने चाहिए उन्हें। ये इन चीज की काफी वीडियोस भी पहले, कुछ वक्त पहले इसकी काफी वीडियोस वायरल हुई थी, लेकिन लोगों ने उन्हें बंद कराने के लिए विरोध भी किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से कुछ विवाद हुए, लेकिन बाद में वो सब दब गए। मरने के बाद भी इंसानों को नहीं छोड़ा जाता, उनसे पैसे, उनसे ऐसे कार्य करवा कर जो कि एक टेक्निक के थ्रू, एक टेक्निक बनाकर ये सब कार्य करवाए जाते हैं और फिर उनसे, लोगों से उनके नाम पर भारी मात्रा में पैसे लिए जाते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना है दोस्तों कि मरने के बाद इंसान को या तो दफना देना चाहिए या फिर उसे कम से कम शांति से उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। मरने के बाद तो उनके साथ ये सब मत करो, उन्हें आराम से अकेला शांति से रहने दो। लेकिन कुछ लोग नहीं मान रहे और यह काम अब ये जो काम है फिर भी धड़ल्ले से चला हुआ है। टिकटें बिक रही हैं और भारी मात्रा में लोग जा रहे हैं और इस पर कोई रोकथाम नहीं लगाई गई है किसी प्रकार की सरकार की तरफ से। ये जो संबंध बनाने का योजना है या यह अमेरिका में ही किसी पति पत्नी ने मिलकर इस चीज के बारे में सोचा और एक जुगाड़ लगाया, एक तरह से एक टेक्निक लगाई और मुर्दों के कपड़े उतार कर उन्हें आपस में संबंध बनाने के लिए कुछ टेक्निक को उपयोग करके कुछ कृत्य करने का, कुछ प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन करना शुरू किया, जिसे देखने के लिए लोग बड़े ही उत्सुक और बड़े ही आनंदमयी हो गए और यह देखना, यह कार्य शुरू हो गया। लेकिन इस पे कोई रोकथाम या किसी भी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं हुई और यह धड़ल्ले से आज भी चला हुआ है। दोस्तों, आपको ये जो जानकारी है, अगर आपको पूरी और जानकारी चाहिए तो इसके बारे में और भी जानकारी गूगल या इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। दोस्तों, मरने के बाद लोगों को दफनाना या उन्हें आराम से शांति से रह देना चाहिए, उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने लालच, अपने पैसा बनाने के चक्कर में नहीं मानते और ऐसे मुर्दा इंसान, ऐसे मुर्दा व्यक्तियों से एक दूसरे को संबंध बना के उनका मजाक उड़ाकर लोगों को दिखाते हैं और उनसे भारी मात्रा में पैसा वसूल करते हैं। दोस्तों, मेरी नजरों में तो यह बहुत ही गलत है, अगर आपकी नजरों में क्या है नीचे कमेंट करके जरूर लिखे। यह बंद होना चाहिए, यह चलना चाहिए
आप सब नीचे अपनी राय जरूर लिखें, और मेरी जो वीडियो है, जितनी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। होने वाला कुछ भी गलत अपराध होने से पहले आपको मेरी वीडियो से कुछ सीख मिले तो आप उससे बच सकते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप सबको कि मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमारी जो फैमिली है वो काफी बड़ी हो जाए और मैं आप तक काफी एजुकेशन के मामले में जो समाज में हो रहे अपराध आप तक बता सकूं, आपको समझा सकूं और आप सीख सके उससे कि आपको कैसे बचना है, ये ऐसे करिए, अगर आप करोगे तो आपके साथ कैसी गतिविधि हो सकती है। दोस्तों, तो मैं फिर से आपसे विदा लेता हूं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो